क्या आप दुखमुक्त जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप जीवन में आनंद ही आनंद चाहते हैं? और इसी के साथ क्या आप अपार सफलता भी चाहते हैं? यदि हां, तो आज से ही थाम लें त्रिशूल। त्रिशूल क्रिया से हमारे सभी दुखों का अंत हो जाएगा, हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा, हम अपार सफलता भी प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। प्रथम शूल, मेहनत यानी अधिक से अधिक कर्म का प्रयास। हम पंच तत्व से बने हैं। पंच तत्व यानी भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इनमें जल सत्वगुणी, भूमि रजोगुणी और वायु तमोगुणी है, जो हम में तीन इच्छाएं क्रमशः लोकेशणा यानी नाम कमाने की इच्छा, वित्तेशणा यानी पैसा कमाने की इच्छा और पुत्रेशणा यानी पुत्र प्राप्ति की इच्छा जब तक शरीर है तब तक बनाए रखती है। अग्नि भी तमोगुणी है, जो हम में जीवेशणा यानी जीवित रहने की इच्छा परमात्मा शिव के आदेश अनुसार बनाए रखती है। अब पांचवे तत्व आकाश की बात करते हैं। आकाश यानी हमारी आत्मा, आकाश यानी स्वयं निराकार परमात्मा शिव का एक अंश। आकाश यानी हम शिव का ही अंश है और ऊपर बताए चार तत्वों का उपयोग कर मानव रूप में जन्मे हैं। हमने ये जन्म अपने गुणों को खत्म कर निर्गुण होने के लिए लिया है। दरअसल तत्वों के अलावा लोकेशणा, वित्तेशणा और पुत्रेशणा के जनक सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण स्वतंत्र रूप में भी हम में रहते हैं और ये ही हमारी इच्छाओं का कारण है। और क्योंकि इच्छाएं ही दुख का कारण है, इच्छाओं के जनक इन गुणों के खात्मे के लिए ही निराकार शिव आकार लेता है, हमारा आकार लेता है। कर्म कर इन गुणों को खत्म करने के लिए, पुनः परमानंदमय होने के लिए। और क्योंकि जितना ज्यादा कर्म होगा उतनी ही जल्दी मुक्ति मिलेगी। हम हमेशा कोई न कोई कर्म करते ही रहते हैं, हमारी बनावट ही ऐसी है, हम बिना कर्म किए रह ही नहीं सकते। परंतु अधिक से अधिक कर्म तभी हो पाता है जब हम अपना एक एक पल और एक एक कर्ण एक ही कर्म को दें। दरअसल परमात्मा शिव हर आत्मा को कोई न कोई शक्ति जरूर देता है। हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम उस शक्ति को पहचान कर अपने कर्म का चयन उसके अनुसार करें। ये कोई छोटी बात नहीं, बल्कि सच तो ये है कि इससे बड़ी दूसरी कोई बात ही नहीं। जिस व्यक्ति को अपनी शक्ति के अनुसार कर्म मिल जाए, मान लेना कि उससे अधिक सौभाग्यशाली कोई है ही नहीं। और वैसे तो ये आसानी से होना चाहिए, मगर समस्या इच्छाओं की वजह से ही आती है। दरअसल हम हमारी आत्मा के अनुसार एक दिशा में चलें तो जो सफलता मिलेगी उससे तीनों इच्छाओं की पूर्ति तो हो ही जाएगी, अर्थात हमें मोक्ष के साथ साथ संसार के सभी सुख भी जरूर मिलेंगे। मगर हमारी इच्छाएं हमें एक दिशा में चलने ही नहीं देती, ये हमारी ऊर्जा को अलग अलग दिशा में ले जाती हैं। और इस कलयुग में शक्ति बटी यानी असफलता। यदि कलयुग में सफलता चाहिए तो हमें हमारी सारी शक्ति एक ही दिशा में लगानी होगी, इच्छाओं के जाल से बच के निकलना होगा ताकि हम अधिक से अधिक कर्म कर सके। और ये बहुत आसान तो नहीं, मगर देवों के देव महादेव की दया, कृपा और आशीर्वाद से बहुत कठिन भी नहीं। आइए देखते हैं कैसे। द्वितीय शूल, महामंत्र ओम नमः शिवाय का नियमित जाप। अक्सर जीवन में हम सही और गलत के बीच फैसला नहीं कर पाते, ये भी हमारी इच्छाओं की वजह से ही होता है। कहां पर किस व्यक्ति को कितना समय देना है,
किस कार्य को कितना समय देते हुए किस दिशा में आगे बढ़ना है, ये हम तय ही नहीं कर पाते। यही महादेव शिव का सबसे सरल मंत्र ओम नमः शिवाय हमारी बड़ी मदद कर सकता है। ओम नमः शिवाय के नियमित जाप से हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति आती है जो साक्षात शिव की तरह हमारे साथ रहती है। उस शक्ति के साथ जब भी हम किसी गलत जगह पर गलत व्यक्ति के साथ गलत दिशा में गलत कार्य करते हैं, तब वो शक्ति हमें सूचित कर देती है। अपने आप हमें बुरा लगने लगता है, घबराहट बेचैनी होने लगती है, अपने आप हम गलत को छोड़ने लग जाते हैं। सही जगह सही व्यक्ति सही कार्य सही दिशा पकड़ने लग जाते हैं। सही के साथ अपने आप ही हमें अच्छा लगने लगता है, अपने आप हम गति बढ़ाने लग जाते हैं और बढ़ाते जाते हैं, सफलता की ओर बढ़ते जाते हैं। ये सब अपने आप होता है और ये सब हमारे अंदर की शक्ति करवाती है। हमें तो बस उस शक्ति को अपने साथ रखना होता है, बाकी सब तो वो स्वयं ही करती है। यहाँ एक बात और समझ लेनी चाहिए, ओम नमः शिवाय हमारे लिए नया नहीं और सनातन धर्म को मानने वाला शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने अब तक इसका जाप ना किया हो। मगर यदि हम वाकई इसकी शक्तियों को अनुभव करना चाहते हैं तो हमें इसका जाप नियमित करना होगा। नियमित जाप, और वो भी प्रतिदिन लगभग 1200 बार। दरअसल कलयुग में सही दिशा से भटकाने वाले साधन इतने शक्तिशाली हैं कि उनसे बच निकलने के लिए इतना करना ही पड़ेगा। सही दिशा में चलते रहने के लिए प्रतिदिन 108 की 11 माला यानी लगभग 1200 बार जाप करना ही पड़ेगा, और ये बहुत अधिक नहीं है। इसमें सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे और जीवन में दुखों से मुक्ति, आनंद ही आनंद और अपार सफलता की तुलना में ये समय कुछ भी नहीं। ये समय ज्यादा इसलिए भी नहीं क्योंकि जाप के दौरान हम ईश्वर का नहीं बल्कि ईश्वरत्व की प्राप्ति के लिए अपनी सेहत, परिवार और अपने कर्म की बेहतरी का चिंतन करेंगे। आइए इस बात को गहराई से समझें। तृतीय शूल, जाप के दौरान सेहत, परिवार और कर्म की बेहतरी का चिंतन। जैसा कि हमने अब तक समझा कि हमारा जन्म ईश्वर की प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि ईश्वरत्व की प्राप्ति के लिए हुआ है। ब्रह्मांड रूपी महादेव शिव हम पर तभी प्रसन्न होते हैं जब हम मुक्त होने का अर्थात स्वयं निर्गुण निराकार होने का प्रयास करते हैं, और कलयुग में शिवत्व की प्राप्ति का सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्ग है और वो है सही दिशा में कर्म। इसीलिए हमें तो महादेव शिव का आशीर्वाद लेकर अपने कर्म का चिंतन करते हुए इस महामंत्र को जपना चाहिए। अर्थात क्या हमारा काम ठीक चल रहा है, यदि नहीं तो उसे कैसे ठीक किया जाए, और यदि ठीक है तो और अच्छा करने के लिए क्या किया जाए, ऐसा चिंतन करते हुए महामंत्र का जाप करना चाहिए। यहाँ एक छोटी सी बात और समझ लेना चाहिए, जिस प्रकार गुणों के खात्मे के लिए कर्म काम आता है उसी प्रकार कर्म करने के लिए दो चीजें काम आती है, पहला शरीर और दूसरा हमारा परिवार। पहला शरीर, शरीर है तभी हम कर्म कर सकते हैं। महादेव ने वस्त्र के रूप में हमारा शरीर धारण इसलिए किया है ताकि हम कर्म कर सकें। इसीलिए हमें अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रखने का प्रयास करना चाहिए। इसका अर्थ ये भी नहीं कि हम बहुत अधिक कसरत या इसकी सुंदरता के लिए विशेष कुछ करें, सिर्फ स्वस्थ रहें जिससे अधिक से अधिक कर्म कर सकें। दूसरा परिवार, एक पुरानी कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, परंतु सच्चाई ये भी है कि एक स्वस्थ परिवार में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। यहाँ स्वस्थ परिवार का अर्थ है सात्विक परिवार, संस्कारी परिवार। हमारा परिवार भी ऐसा बने इसके लिए हमें सदा प्रयासरत रहना चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ परिवार दो प्रकार से हमारे कर्म को मजबूती देता है, एक तो
खुद हमें मजबूत करके और दूसरा हमारी आने वाली पीढ़ी को मजबूत करके। आने वाली पीढ़ी में भी यदि उम्मीद की किरण दिखती है तो उन किरणों के प्रकाश मात्र से हमारा वर्तमान कर्म मजबूत होता है। इसीलिए हमें अपने कर्म के साथ साथ सेहत और परिवार का भी चिंतन करते हुए महामंत्र का जाप करना चाहिए। अर्थात जाप करते हुए कुछ इस प्रकार सोचना है कि क्या हमारी सेहत ठीक है, यदि ठीक है तो वो आगे भी ठीक रहे उसके लिए क्या करना होगा, और यदि ठीक नहीं है तो ठीक रहे इसके लिए क्या करना चाहिए। क्या हमारे परिवार में सब ठीक चल रहा है, यदि ठीक है तो और अच्छा कैसे हो सकता है, और नहीं तो क्या किया जाए, और अंत में क्या हमारा काम ठीक चल रहा है, यदि नहीं तो कैसे ठीक किया जाए, और यदि ठीक है तो और अच्छा करने के लिए क्या किया जाए, ऐसा चिंतन करते हुए जाप करना है। प्रतिदिन सेहत परिवार और कर्म का चिंतन करते हुए 1200 बार महामंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से न सिर्फ हमारी मेहनत की दिशा सही होने लगेगी बल्कि अब तो हमारा एक एक पल और एक एक कण सही दिशा में लगने लगेगा। हम जो भी करेंगे उसमें हमें सफलता मिलने लगेगी। इससे हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी जिससे हमारी मेहनत में और तीव्रता आएगी। हम अधिक से अधिक कर्म करने लगेंगे फिर तो सफलता हमारी मुट्ठी में होगी और हमें जीवन में वो सब मिलने लगेगा जो हम चाहते हैं। इसीलिए महादेव शिव का स्मरण कर आज से ही अपनी सेहत परिवार और कर्म का चिंतन करते हुए महामंत्र ओम नमः शिवाय का जाप प्रारंभ कर दें। खूब मेहनत करें। अनंत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।